गुरु कृपा सेवा संस्थान के तत्वावधान में शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में भारत के श्री चंद्र प्रकाश मिश्र गामा पहलवान की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर जिला कुश्ती संघ के पदाधिकारियों को सम्मान किया गया, जिसमें पदाधिकारियों ने भारत माता एवं बजरंग बली के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा गामा पहलवान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उदीयमान पहलवानों को उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प दिलाया तथा गुरु कृपा संस्थान के मंत्री ब्रजेश त्रिपाठी ने सभी अधिकारियों को अंगवस्त्र एवं साफा और माला पहनाकर सम्मान किया, जिसके संबंध में जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया कि गामा पहलवान देश के चोटी पहलवानों में से एक थे। उन्होंने अल्पायु में गोरखपुर का नाम देश में रोशन किया था। आज उनके पूर्वजों ने कुश्ती कला के लिए जो व्यायामशाला पंडित ब्रह्मदेव मिश्र एवं राम नारायण मिश्र धर्मदा ट्रस्ट के माध्यम से चला रहे हैं, उसमें भारी संख्या में उदीयमान पहलवान निकल रहे हैं। वहीं जिला कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष पन्नेलाल यादव ने कहा कि गामा पहलवान की जिला में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के महान विभूतियों में उनकी गणना होती थी। गामा पहलवान जितने बड़े पहलवान थे उससे ज्यादा मधुर उनका व्यवहार था। आज सभी पहलवान उनको याद करते हैं। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव, डॉक्टर संजय त्रिपाठी, दीनानाथ सिंह, हरिनारायण धर दुबे, प्रेम शंकर मिश्रा, डॉक्टर उदय प्रकाश मिश्रा, भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंचला शुक्ला, अभिषेक, प्रदीप, अंजनी, रंजना राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उपाध्यक्ष पन्नेलाल यादव और महामंत्री माया शंकर शुक्ला तथा जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह ने कहा, उसके निमित्त पूरे साल कुछ न कुछ आयोजन करती चली आ रही है। उसी के निमित्त उस संस्थान द्वारा भारत के श्री चंद्र प्रकाश मिश्र गामा पर आज हम लोग कुश्ती की जब भी बात होती है, जब कोई युवा जब कुश्ती की बात करता है, पहलवानी की बात करता है, तो उस ऊर्जा कुश्ती एक ऐसा खेल जो हमारे लोक जीवन से निकली है, जो हम जन्म लेते हैं। पापा क्या है? पुरुष का ध्यान करेंगे। तस्यास्ते देवग्निर्ज्योतिर्ज्योतक्षो वरिष्ठनिष्णो मङ्गलं गरुडध्वज सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये नगे गौरी नारायणी नमोऽस्मिञ्जलिं समर्पयामि। अब मैं दो ऐसे व्यक्तियों को भजन कर रहा हूं, हर नारायण दुबे जी को और इस आप जब भी गुरु कृपा संस्थान द्वारा कोई कार्यक्रम आता है उसके पहले भी ये अनवरत से कुछ करते रहे हैं और हमारे शहर में करीब 12 वर्षों से जो मुख्य रूप से वो एक बहुत ही अनूठा और बलिदानी मेला का मतलब ये नहीं कि जो भी राष्ट्र पहलवान गामा जी की पुण्यतिथि है। वह देश के चोटी के पहलवान थे, बहुत ही अच्छे पहलवान थे, गोरखपुर का नाम रोशन किए थे पूरे देश और दुनिया में। उपस्थित यहाँ सभी भाइयों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भाई दिनेश सिंह जी, कुश्ती संघ के अध्यक्ष शुक्ला जी, माया शंकर शुक्ला जी, सुधुवन राय जी,
और सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। वही आयोजन होना चाहिए, इससे इंसान की कृति जो होती है ना, उसे पता चलता है कौन क्या था। कुछ गमा जी के बारे में बताइए, जीवन के बारे में बता दीजिए। गमा पालन बता दीजिए, देशस्त्र के पहलवान थे, बहुत ही अच्छे पहलवान थे। अल्पाई में ही साथ छोड़कर चले गए हम लोगों का, इस बात का बहुत ही दुख है। भगवान के आत्मा को शांति दें। पहलवान अंतर्राष्ट्रीय पहलवान गामा मिश्रा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इतने बड़े पहलवान हम लोगों के ज़िले में पैदा हुए। हमने तो उनकी कुश्ती भी देखी है, उनकी बातचीत भी देखी है, कुछ दिन नज़दीक भी रहे। जिस तरह से उनका लड़न था, जिस तरह से गोरखपुर में उन्होंने कुश्ती लड़ी, गोरखपुर के बाहर दिल्ली में रहकर प्रैक्टिस करते हुए विदेश भी उनको जाने का अवसर मिला, वह हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आने वाले जो नौनिहाल हमारे नवोदित पहलवान बैठे हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे महामानव, ऐसे बड़े पहलवान सदियों में पैदा होते हैं। गोरखपुर के थे वो, देश में उनका बड़े पहलवानों में शुमार था। इसलिए जब हम लोग कुश्ती करते थे तो हम लोग भी सोचते थे कि गामा पहलवान के जैसा ही कुश्ती लड़ें और अपने ज़िले का और प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। इससे बड़ी श्रद्धांजलि हम लोगों के लिए क्या हो सकती है कि इतने बड़े पहलवान परिवार का होते हुए भी इस चोटी पर पहुँचे वो, जैसा कि बिरले देखने को मिलता है। अभी उनके वहाँ एकेडमी चलती है, अच्छे पहलवान तैयार होते हैं। हम शुभकामना देते हैं परिवार के सभी सदस्यों को और गुरु कृपा संस्थान के हमारे बृजेश मणि तिवारी जी को और सभी सम्मानित सदस्यों को कि उनके आज एक कैसी पुण्यतिथि पर हम लोग उनको याद कर रहे हैं। इससे बड़ी दुख की बात और दुख की भी बात है कि उनके हम लोग श्रद्धांजलि में यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी उम्र जाने की नहीं थी। आज वह रहते तो हमारे पहलवानों के लिए ज़रूर कुछ न कुछ करते, क्योंकि कुछ करने की, अलग करने की उनकी एक जो उत्सुकता थी हम लोगों ने देखा था। गामा जी विश्वविख्यात पहलवान ब्रह्मदेव मिश्रा के परिवार से थे। ब्रह्मदेव मिश्रा विश्वविख्यात इसलिए थे कि उस वक्त के विश्व विजयी दारा सिंह को उन्होंने कलकत्ता में मात्र कुछ मिनटों में आसमान दिखा के चित किया था। उसी परिवार से रामनारायण मिश्रा, गामा मिश्रा और तमाम पहलवान निकले, जो सिर्फ इस गोरखपुर जिला नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के महान विभूतियों में उनकी गणना होती थी। गामा मिश्रा पहलवान जितने बड़े थे उससे ज़्यादा मधुर उनका व्यवहार था, उतने ही मिलनसार थे। आज हमारे बीच नहीं हैं, हम सबको उनकी कमी खलती है। हम धन्यवाद देते हैं त्रिपाठी जी को, जो आज उनके 21वीं श्रद्धांजलि समारोह पर उनको याद दिलाकर उस गम में सबकी आंखों को नम कर दिया इन्होंने।